बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक खूबसूरत चेहरा ऐसा भी था जिसकी यादें आज भी फैंस के दिलों में ताजा हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तब्बू उर्फ तबस्सुम फातिमा की, जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल किया था जहां पर पहुंचने के लिए एक्ट्रेस को काफी ज्यादा बलिदान देने की जरूरत पड़ती है और साथ ही काफी मेहनत की भी जरूरत पड़ती है। एक वक्त था जब तब्बू उर्फ तबस्सुम फातिमा अजय देवगन के प्यार में थी और इन दोनों की प्रेम कहानी बॉलीवुड इंडस्ट्री के गलियारों में गूंज रही थी। पर आज भी तब्बू उर्फ तबस्सुम फातिमा सिंगल हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि काजोल से अजय देवगन ने जब शादी की थी उसके बाद से ही तब्बू उर्फ तबस्सुम फातिमा किसी के साथ रिलेशन में नहीं आए हैं। हालांकि आपको बता दें कि वो हमेशा से ही इंडस्ट्री की चकाचौंध से अपने आप को काफी दूर रखती हैं। दोस्तों आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एक बार फिर से तब्बू का नाम इंडस्ट्री के गलियारों में गूंज रहा है और वो इसलिए क्योंकि फैंस के साथ साथ बड़े बड़े कलाकार भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले सोनाली बिंद्रे, उर्मिला मातोंडकर जैसी खूबसूरत अभिनेत्रियां इस गंभीर बीमारी का शिकार हुई थी और अब तबस्सुम उर्फ तब्बू भी इस गंभीर बीमारी की शिकार हो चुकी हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैंसर की। जी हां, आपको बता दें कि तब्बू इस वक्त इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। तब्बू के पिता ने इस बात की इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से फैंस तक पहुंचाई है और कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द तब्बू एक नए फिल्म में नजर आने वाली थी। पर इससे पहले ही तब्बू की इस गंभीर बीमारी का खुलासा सोशल मीडिया के माध्यम से हो चुका है और वो इस वक्त अपने इलाज के लिए जर्मनी पहुंच गई हैं। दोस्तों अगर आप भी कभी तब्बू के दीवाने हुआ करते थे, अगर आपने भी हम साथ साथ है में तब्बू की एक्टिंग की सराहना की थी तो कमेंट के जरिए तब्बू के लिए गेट वेल सून जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।